सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। और हमेशा की तरह मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ एक और डरावनी कहानी के साथ। आसपास नॉइस बहुत है तो कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, बस अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और आपको मिलेगा बेस्ट एक्सपीरियंस। अब ठीक है, अब बनाए हॉरर स्टोरी वाला मूड। मेरा नाम विनय है, मेरा दोस्त सुशील काफ़ी लंबे समय से अपने गांव यानी कि छत्तीसगढ़ में रह रहा था। तभी अचानक से एक रात उसका कॉल आया मुझे और उसने मुझे अपने गांव आने के लिए कहा। मैं भी अपने दोस्त से काफ़ी वक्त तक मिला नहीं था तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने घूमना फिरना भी हो जाएगा और मेरा दोस्त भी मुझसे मिल ही लेगा। सुशील मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था बचपन का, लेकिन इन बीते कुछ सालों में हम एक दूसरे से मिले ही नहीं थे। लेकिन इतने साल ना मिलने के बावजूद भी हमारी दोस्ती में रत्ती भर भी फ़र्क नहीं आया था। हम दोनों अभी भी उतने ही पक्के दोस्त थे जितना पहले की। इसलिए मैं उससे मिलने के लिए उसके गांव छत्तीसगढ़ गया और जब मैं वहां रेलवे स्टेशन पे उतरा तो वहां का नज़ारा देख के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरा स्वागत करने के लिए मेरा दोस्त सुशील तो वहाँ आया ही था, लेकिन साथ ही साथ आए थे उसके गांव के कुछ लोग जो कि साफ साफ गवाही दे रहे थे गांव के संस्कारों की। उन्होंने मेरा स्वागत किया और मैं अपने साथ जो गिफ्ट लेकर आया था सुशील के लिए, मैंने वो सुशील को दिया और मेरे पास कुछ छोटे मोटे गिफ्ट भी थे वो मैंने बाकी गांव वालों को दे दिए। मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर गाँव वाले भी मेरे स्वागत के लिए आएंगे, वरना मैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छे गिफ्ट्स लेता। लेकिन खैर, मैं उनके गाँव पहुँचा। उनका गांव काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, हर जगह पेड़, हर जगह हरियाली, जैसे प्रकृति माँ का आशीर्वाद उस गांव के ऊपर भरपूर था। और मैं अपने दोस्त से मिलके भी काफ़ी खुश था, मेरा मूड काफ़ी अच्छा था, मेरा स्वागत भी काफ़ी अच्छे ढंग से हुआ था। और काफ़ी टाइम बाद फिर मैं उसके घर पहुँचा। उसका घर इतना बड़ा नहीं था लेकिन जैसा भी था अच्छा था। मेरे दोस्त के घर से मुझे क्या करना, मेरे को तो मतलब था तो मेरे दोस्त से, जिससे मिलने के लिए मैं इतनी दूर से वहाँ गया था। हमारे बीच कई सारी बातें हुई, पुरानी यादें ताज़ा हुई और हम बीते पलों को याद करके हंसे मुस्कुराए जा रहे थे। हमें देखकर सुशील के बाकी घर वाले भी काफ़ी खुश हो रहे थे। ऐसे ही दिन बीता। तभी अचानक से मैंने ध्यान दिया कि गाँव वाले काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे। जैसे जैसे शाम हो रही थी, जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था, वैसे वैसे उनके चेहरे पे घबराहट सी दिख रही थी मुझे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है, ये सब इतना घबरा क्यों रहे हैं। मैंने इस बारे में अपने दोस्त से पूछा, उसने बताया कि इन गांव वालों का मानना है कि रात के वक्त इस गांव में एक डायन घूमती है जो कि लोगों को अपना शिकार बनाती है। वो डायन लोगों को अपना शिकार बना के ले जाती है इसी गाँव के थोड़े से दूर एक जंगल में जहाँ उसका घर है, और वो वहाँ पर उन लोगों की बलि देकर उनके खून से नहाती है। ये सारी बातें सुन के पहले तो मुझे थोड़ी सी हंसी आई, क्योंकि इन सब बातों पे तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, और आज के ज़माने में इन सब बातों पे यकीन करता भी कौन है। मैंने इन सारी बातों को हंस के टाल दिया और मैंने अपने दोस्त से मजाक में ही कहा कि अरे भाई, मैं तो तेरे गाँव आ ही गया हूँ, कहीं मेरे को तो वो डायन नहीं ले जाएगी। सुशील ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं भाई, नहीं ले जाएगी। रात का खाना ख़त्म करने के बाद ही हम दोनों को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी। वो गांव के कामों से थका हुआ था और मैं इतना लंबा सफ़र तय करके वहां गया था, मेरा तो थकना लाजमी ही था। अब सोने की बारी आई। घर तो काफ़ी छोटा था लेकिन मैंने फैसला किया कि चलो आंगन में ही सो लिया जाए, इतना क्या फ़र्क पड़ता है, रात ही तो बितानी है। मैंने सुशील से कहा कि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आंगन में ही सो जाऊँगा, कोई चारपाई वगैरह है तो दे दो मुझे, मैं आंगन में ही सोना पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा तापमान ज़्यादा है और बाहर मुझे हवा लगेगी तो अच्छी नींद आएगी। सुशील ये बात सुन के थोड़ा सा घबरा गया, उसने कहा कि आंगन में सोना ठीक नहीं है। मैंने उससे पूछा, क्या हो गया है सुशील, आंगन में सोना परेशानी क्या है, इसमें कोई बुराई तो नहीं लग रही मुझे। तभी अचानक से गांव के एक आदमी ने बोला, जो कि कुछ काम से सुशील के घर आया हुआ था, उसने बताया कि रात के अंधेरे में यहाँ पे कोई
डायन घूमती है और वो लोगों को अपना शिकार बनाती है, और अगर आप उसे यहाँ आंगन में सोते हुए मिले तो मुझे नहीं लगता कि वो आपके लिए अच्छा होगा। डायन की बात सुन के फिर से मेरे मुंह से हंसी निकल गई और मैंने उससे पूछा, अच्छा तो डायन मुझे पकड़ के अपने साथ उस जंगल में ले जाएगी जो कि इस गांव से थोड़ा दूर है ना? और ये सारी बातें सुन के वो आदमी हंसने लगा और उसने कहा कि आपको भी पता चल ही गया, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखिएगा, ये गांव सुबह के वक्त जितना खूबसूरत होता है उतना ही डरावना हो जाता है रात के वक्त। और वो ये बात कह के वहाँ से चला गया। ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी, मेरे को काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाहट हो रही थी कि आज के टाइम में भी क्या ऐसी सोच रखते हैं लोग, और मुझे आज यकीन हो गया कि आज की आधुनिक युग में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इन सब बातों पर यकीन है। खैर, सुशील मेरे लिए चारपाई ले आया। सुशील ने एक चारपाई बिछा ली और एक चारपाई मैंने भी आंगन में बिछाई थी, और हम दोनों फिर से पुरानी यादों की बातें करते हुए हंसने लगे। काफ़ी देर बात करी हमने और आखिरी में नींद ज़्यादा आने की वजह से हम दोनों सो गए। थोड़ा वक्त बीता और अचानक से सुशील ने मुझे उठाया। मैंने भी अपनी आंखें खोली और मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑन करके देखा। रात के 2 बजे हुए थे और मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया कि इतनी रात को क्या हो गया। मैंने सुशील से पूछा, भाई क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है? जिसके जवाब में उसने मुझसे कहा कि धीरे बोल, कोई सुन ना ले, मेरे पास एक प्लान है, चल आज ना उस जंगल में जाके देखते हैं आखिर उस जंगल का रहस्य क्या है। मैंने फिर सुशील से पूछा, कौन सा रहस्य, कैसी बातें कर रहा है तू रात के 2 बजे? और फिर सुशील ने मुझे बताया, ये बोल, मैंने कहा ना, मैंने सुना है यहाँ जो डायन घूमती है ना वो उस गांव के पास वाले जंगल में रहती है और वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, चल हम दोनों वहाँ चलते हैं और पता लगाते हैं आखिर वहाँ का माजरा क्या है। तेरे को याद है ना हमने बचपन में कितनी ऐसी चीज़ें करी हैं, रहस्यों का पता लगाया है, चल एक और बार आज इस गांव का डर दूर करते हैं, उस जंगल में जाके उस जंगल के रहस्य का पता लगाते हैं। मैंने 2 मिनट सोचा और फिर मैंने सोचा, चलो यार चल ही लेता हूँ और क्या पता कुछ मज़ेदार जग जाए, डायन से सामना ही हो जाए। और यही बात सुन के मैं सुशील के साथ चल दिया। हम दोनों इधर उधर की बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे, लेकिन सुशील के व्यवहार में मुझे कुछ अजीब सा बदलाव दिख रहा था। मुझे लगा कि नींद के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन खैर हम दोनों आगे बढ़े जा रहे। काफ़ी लंबे समय बाद हम एक जंगल के सामने आके रुके और सुशील ने बताया कि यही वो जंगल है जहाँ वो डायन घूमती है और गांव से लोगों का शिकार करके इस जंगल में वो लेकर आती है। मैंने सुना इस बारे में और मैंने सोचा, चल फिर तूने ही बोला है इस रहस्य का पता लगाना है तो चल चल लेते हैं अंदर। और ये बात कह के हम दोनों उस जंगल के अंदर घुस गए और इधर उधर अंधेरे में अपने स्मार्टफोन की फ्लैशलाइट को ऑन करके आगे बढ़ रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था लेकिन अंधेरे में सब कुछ डरावना लग रहा था। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे अभी उनमें जान आ जाएगी और वो हमें खा जाएंगे, लेकिन हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि हमें आदत थी ऐसी डरावनी चीज़ों का सामना करने की। और इधर उधर घूमते ही घूमते हमने ध्यान दिया कि कुछ ही दूर एक जंगल में बीचों बीच एक झोपड़ी है और उस झोपड़ी में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। उस रोशनी को देख के सुशील मुस्कुराने लगा और मैंने सुशील से पूछा, ये झोपड़ी किसकी है और ये जंगलों के बीचों बीच झोपड़ी कौन बनाता है भाई? सुशील ने मुझे बोला कि क्या पता ये उसी डायन की हो, क्या पता इसी के अंदर राज हो उस डायन का, चल पता लगाते हैं। पहले तो मुझे वहाँ जाना ठीक नहीं लगा, पहली बात तो जंगल के बीच में कोई झोपड़ी बनाता नहीं और अगर बना भी रहा है तो हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन सुशील के कहने पे हम दोनों मिलके वहाँ गए। सुशील आगे आगे था और मैं पीछे पीछे। मैंने सुशील से कहा कि ध्यान रखे, थोड़ी सावधानी बरते, अंधेरी रात है, क्या पता कोई जंगली जानवर हमला कर दे। सुशील उस झोपड़ी के दरवाजे के पास गया और वो दरवाज़ा खटखटाने जा ही रहा था तभी अचानक से वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया और ये देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा।
मैंने सुशील से कहा कि अपने कदम पीछे ले ले, क्योंकि ऐसे अपने आप दरवाज़ा खुलना मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा मैसेज लग रहा था। सुशील ने मेरी बात नहीं मानी और उसने कहा कि चल अंदर चल के देखते हैं आखिर है क्या यहाँ पर, और ये कहकर सुशील अंदर चला गया। सुशील को अंदर जाता हुआ देख के मैं अपने आप को बाहर रोक नहीं पाया। मुझे पता था कि अगर कोई अंदर खतरा हुआ तो सुशील प्रॉब्लम में पड़ जाएगा, और उसे बचाने के लिए मैं भी झोपड़ी के अंदर घुस गया। सुशील अंदर जाके एक जगह खड़ा हो गया। अंदर का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा डरावना था। अंदर का नज़ारा देख के तो कुछ पल के लिए मैं भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। वहाँ पर जगह जगह खोपड़ी और कंकाल पड़े हुए थे और अजीब सी एक बू आ रही थी जिसे सूंघते ऐसा लग रहा था कि अभी उल्टी हो जाएगी। मैंने सुशील से कहा कि मेरे को नहीं लगता कि सही कर रहे हैं, चल अब यहाँ से, यहाँ मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जी है। तभी अचानक से सुशील ने जो बोला उसे सुनने के बाद मैं थोड़ा सहम गया। मेरे दोस्त सुशील ने बोला कि कैसी एनर्जी, क्या महसूस हो रहा है तेरे को, क्या हो गया? थोड़ा घबरा गया। मैंने सुशील से पूछा, क्या हो गया भाई, सब कुछ ठीक तो है, तू ऐसी आवाज़ में क्या बोल रहा है? मैं रखा हुआ फ़ोन वाइब्रेट हुआ, अपना स्मार्टफोन अपनी पॉकेट से निकाला और जो मैंने देखा उसे देख के 2 मिनट के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, क्योंकि मेरे कॉल किसी और का नहीं सुशील का ही था। और ऐसा कैसे हो सकता है, सुशील तो मेरे सामने है, तो सुशील के फ़ोन से कौन मुझे कॉल कर रहा है? और मैंने कॉल उठाया, तभी अचानक से जो वहाँ से आवाज़ आई उसे सुनने के बाद मैं जम सा गया। विनय, वेयर आर यू ब्रदर? मैं तो टॉयलेट के लिए गया हुआ था और मैंने वापस आके देखा कि तू चारपाई पे है ही नहीं, तू है कहाँ पर आखिर? मैंने आसपास भी देख लिया, तू मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, तू अनजान गांव में आखिर चला कहाँ गया? ये सारी बातें सुनने के बाद मेरे हाथ पैर कपकपा रहे थे और जो मेरे सामने खड़ा था जिसे मैं अभी तक सुशील समझ रहा था वो हंसे जा रहा था। आज तेरी बली होगी। मैंने अपने कदम पीछे लिए, पीछे भागने के लिए मुड़ा ही था तभी मैंने देखा कि वहां कोई बाहर जाने का दरवाजा नहीं है। ये सब देखने के बाद मैं डर से काफी ज्यादा घबरा गया और वहीं पे बेहोश हो गया। सुबह मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि गांव वालों ने मुझे घेर रखा है और मैं तुरंत उठा। मैंने आसपास देखा, सब कुछ नॉर्मल था, गांव वालों ने मुझे घेरा हुआ था। और तभी वहां पे सुशील आया और उसने कहा कि तू ठीक तो है यार? अरे यार मैंने गलती कर दी तुझे रात में अकेला छोड़ के, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? फिर गांव के एक बूढ़े आदमी ने बताया कि तुम्हारा दोस्त यानी कि मैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसने माता जी का एक लॉकेट अपने गले में पहना हुआ था और उसी लॉकेट की वजह से वो डायन तुम्हारे दोस्त का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। गांव वाले काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे और उन्होंने फैसला किया कि वो एक साथ उस जंगल में जाएंगे और उन्होंने पूरे जंगल को छान मारा, लेकिन वहाँ कोई झोपड़ी थी ही नहीं।